प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज हो चली है, जिसमें भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा को लेकर क्षेत्रीय सांसद विधायक व नेता नरसिंहपुर के तहसील मुख्यालय करेली पहुंचे। यहां करेली बस्ती चौराहे और निरंजन चौक पर भाजपा संगठन के स्थानीय नेता कार्यकर्ताओं ने अपने जन प्रतिनिधियों का भव्य स्वागत किया। प्रदेश भाजपा सरकार की उपलब्धि गिनाने और जनता का आशीर्वाद लेने चाक चौबंद प्रशासनिक व्यवस्था के बीच क्षेत्रीय सांसद राव उदय प्रताप सिंह, राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी, विधायक जालन सिंह पटेल, जिला भाजपा अध्यक्ष अभिलाष मिश्रा, जनपद अध्यक्ष प्रतिज्ञा परिहार शनिवार को जन आशीर्वाद यात्रा रथ लेकर करेली में निरंजन चौक पहुंचे। यहां पर सभी नेताओं ने बारी बारी से सरकार की योजनाओं और जन नीतियों को उपस्थित लोगों के सामने रखा। इस दौरान भाजपा की महिला शक्ति और स्थानीय नेता कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन नागरिकों व आम जनमानस में भाजपा की इस जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कोई उत्साह नहीं दिखाई दिया और रथ पर साथ दिखने वाले शीर्षस्थ नेता करेली शहर में लगे फ्लैक्स में तो साथ नहीं थे। ऐसे में जिला भाजपा एकजुट विधानसभा चुनाव में उतरेगी, ये बड़ा सवाल है। सबको विश्वास है कि इस देश को यदि कोई सुरक्षित रख सकता है तो वो सच का नाम जो हम सामना कर रहे हो सफाई के क्षेत्र में, ऐसा मानता हूँ कि जिले में सर्वोच्च स्थान नगर पालिका करेली का है। मैं हृदय से सभी सम्मानित करेली वासियों का बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ। नरसिंहपुर से तीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।